नमस्कार दोस्तों, चिंतामणि सीरीज के अंतर्गत आज जिस हम निबंध पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है लज्जा और ग्लान। तो शुरू करते हैं। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, अपने विषय में उनकी धारणा का जितना ही अधिक ध्यान रखते हैं, उतना ही अधिक प्रतिबंध अपने आचरण पर रखते हैं। जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता के प्रमाण पा चुके रहते हैं, उनके सामने हम उसी धड़ाके के साथ नहीं जाते जिस धड़ाके के साथ औरों के सामने जाते। यहीं तक नहीं, जिन्हें इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला है, उनके आगे भी कोई काम करते हुए यह सोचकर कि कुछ आगा पीछा ना हो जाए, कि कहीं इस प्रकार का प्रमाण उन्हें मिल ना रहा हो, दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उनकी स्वच्छंदता के विघात का जो अनुभव होता है, उसे लज्जा कहते हैं। इस मनोवेग के मारे लोग सिर ऊंचा नहीं करते, मुंह नहीं दिखाते, सामने नहीं आते, साफ साफ कहते नहीं, और भी न जाने क्या क्या नहीं करते। हम बुरे न समझे जाएं, यह स्थायी भावना जिसमें जितनी अधिक होगी वह उतना ही लज्जाशील होगा। कोई बुरा कहे चाहे भला, इसकी परवाह करके जो काम किया करते हैं वो ही निर्लज्ज कहलाते हैं। जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं, जिस समाज में हम अपनी मूर्खता, दृष्टता आदि का प्रमाण दे चुके रहते हैं, उसके अंग होने का स्वत्व हम जान नहीं सकते। अतः उसके सामने अपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित करते या रखते नहीं बनता, या प्रकट करते नहीं बनता कि हम भी इस संसार में हैं। जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है, उसे देखते ही हमारी क्या दशा होती है। हमारी चेष्टाएं मंद पड़ जाती हैं, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है, हम गड़ जाते हैं या चाहते हैं कि धरती फट जाती और हम उसमें समा जाते। सारांश यह कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण अवश्य समेट लेते हैं। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट हो गया कि लज्जा का कारण अपनी बुराई, त्रुटि या दोष, हमारा अपना निश्चय नहीं, दूसरे के निश्चय का निश्चय या अनुमान है, जो हम बिना किसी प्रमाण का प्रकार का प्रमाण पाए केवल अपने आचरण या परिस्थिति विशेष पर दृष्टि रखकर ही कभी कभी कर लिया करते हैं। हम अपने को दोषी समझें यह आवश्यक नहीं, दूसरे हमें दोषी यह बुरा समझे यह भी आवश्यक नहीं। आवश्यक है हमारा यह समझना कि दूसरा हमें दोषी या बुरा समझता है या समझता होगा। जो आचरण लोगों को बुरा लगा करता है, जिस अवस्था का लोग उपहास किया करते हैं, जिस बात से लोग घृणा करते हैं, यदि हम समझते हैं कि लज्जित होने के लिए लोगों को देखने में वह आचरण हमसे हो गया, उस अवस्था में हम पड़ गए या वह बात हमसे बन पड़ी, तो हम लज्जित होने के लिए इसका आसरा ना देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई वे निंदा करें, उपहास करें या छींची करें। वे निंदा करें या ना करें, उपहास करें या ना करें, घृणा प्रकट करें या ना करें, पर हम समझते हैं कि मधुशाला उनके पास है, वे उसका उपयोग करें या ना करें। ये अवश्य है कि उपयोग होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत बढ़ जाता है, पर कभी कभी उल्टा भी होता है। जिसके साथ हमने कोई भारी बुराई की होती है, वह यदि 10 आदमियों के सामने मिलने पर मौन रहे, हमारा गुणानुवाद करने लगे, हमसे प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने लगे, तो शायद हम अपने डूबने के लिए चुल्लू पर पानी ढूंढने लगेंगे। वन से लौटने पर रामचंद्र कैकेयी से मिले और रामा ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी, पर जब लक्ष्मण कैकेयी कहाँ पुन पुन मिले तो वह लज्जा से धंस गई होगी। चित्रकूट में जब राम पहले कैकेयी से मिले होंगे तब उसकी क्या दशा हुई होगी। निंदा का भय लज्जा नहीं है, भय ही है और कई बातों का, जिसमें लज्जा भी एक है। हमें निंदा का भय है, इसका मतलब कि हमें उसके परिणामों का भय है, अपने कुढ़ने, दुखी होने, लज्जित होने, हानि सहने का भय है। विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरे की ही भावना पर दृष्टि रखने से होती है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। अपने लज्जा समझ लिए, अब आप ग्लानि समझिए कि अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का
एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। इसे अधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है जिनका अंतःकरण सत्व प्रधान होता है, जिनके संस्कार सात्विक होते हैं, जिनके भाव कोमल और उदार होते हैं, जिनका हृदय कठोर होता है, जिनकी वृत्ति क्रूर होती है, जो सिर से पैर तक स्वार्थ में निमग्न होते हैं, उन्हें संसार में सहने के लिए इतनी बाधाएं, इतनी कठिनाइयां, इतने कष्ट होते हैं कि ऊपर से और इसके बिना उतनी ज़रूरत रहती है न जगह रहती। मन में ग्लानि आने के लिए ये आवश्यक नहीं कि जो हमारी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि से परिचित हों या परिचित समझे जाते हों उनका सामना हो। हम अपना मुँह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं, पर ग्लानि से नहीं बच सकते। सबसे इस निबंध की प्रमुख 8-10 पंक्तियों में एक पंक्ति ये भी है कि लज्जा से तो मनुष्य बच सकता है कि जिससे आपको लज्जा लग रही है आप उसको मुंह न दिखाएं, लेकिन जब आप कुछ गलत करते हैं और आपको ग्लानि होती है तो आप ग्लानि से नहीं बच सकते। चाहे आप कोठरी में खुद को बंद कर लें, चाहे चारपाई पर पड़े पड़े लिहाफ के नीचे भी लोग ग्लानि करते रहते हैं, चाहे आप देश छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें, लेकिन आप दुनिया छोड़ने पे तो ग्लानि से मुक्त हो सकते हैं पर दुनिया में रहते हुए ग्लानि से मुक्त नहीं है। चित्रकूट में भरत राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का समाचार पहुंचा तब सुनत जनक आगमन सब हरख्यु अवध समाज पर गरई ग्लानि कुटिल कई किए। मतलब सब लोग राम से मिलने आ रहे थे लेकिन कह कही को ग्लानि हो रही कि मैं राम को मैंने वन कैसे भेज दिया और उस ग्लानि में वो राम तक जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। ग्लानि में अपनी बुराई तुच्छता आदि के अनुभव से जो संताप होता है वह अकेले भी होता है और 10 आदमियों के सामने भी प्रकट किया जाता है। ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है, इससे इसके उद्धार में अनेक दोष, अपराध, तुच्छता, बुराई इत्यादि का लोग दुख से या सुख से कथन भी करते हैं। इसमें दुराग या छिपाव की प्रवृत्ति नहीं रहती है। अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार आंतरिक अस्वस्थता का उपचार तथा सच्चे सुधार का द्वार है। हम बुरे हैं जब तक ये न समझेंगे तब तक हम अच्छे हो ही नहीं सकते। हम बुरे हैं दूसरों के कान में पड़ते ही इसका अर्थ उलट जाता है। दूसरों को हम अच्छे नहीं लगते ये समझकर हम लज्जित होते हैं, अतः औरों को अच्छी न लगने वाली अपनी बातों को केवल उनकी दृष्टि से दूर रखकर ही बहुत से लोग न लज्जित होते हैं न निर्लज कहलाते हैं। दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण में जाते हैं, पर अज्ञान चाहे अपना हो चाहे पराया सब दिन रक्षा नहीं कर सकता है ना। बलि पशु होकर भी हम उसके आश्रय में पलते हैं। जीवन के किसी अंग की यदि वह रक्षा करता है तो सर्वांग भक्षण के लिए। अज्ञान अंधकार स्वरूप है। दिया बुझा कर भागने वाला यदि समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते तो उसे यह भी समझ रखना चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकता है। कोई बात ऐसी है जिसके प्रकट हो जाने के कारण हम दूसरों को अच्छे नहीं लगते, ये जानकर अपने को और प्रकट होने पर अच्छे नहीं लगेंगे ये समझ उस बात को थोड़े बहुत यत्न से उसके दृष्टिपथ से दूर करके भी जब हम समय पर अपना बिचाव कर सकते हैं, यही नहीं अपने वेदन कोष पर विश्वास कर सदा बचते चले जाने की आशा तक चाहे झूठी ही क्यों न हो, तब हमारा केवल ये जानना समझना सदा सुधार की इच्छा उत्पन्न करेगा। संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से बचाने वाली 3 मनोविकार हैं। सात्विक वृत्ति वालों के लिए ग्लानि, राजसी के लिए लज्जा, तामसी के लिए भय। जिन्हें अपने किए पर ग्लानि नहीं हो सकती वे लोक लज्जा से, जिनमें लोक लज्जा का लेस नहीं रहता वे भय से बहुत से कामों को करते हुए हिचकते हैं। प्रायः कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लज्जा के मारे नहीं करते, पर लज्जा का अनुभव एक प्रकार के दुख का ही अनुभव है। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि करना करने पर भी अपनी इच्छा मात्र पर उन्हें यह दुख होता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इच्छा रखते ही नहीं। सच पूछिए तो उन्हें उस दुख की आशंका मात्र रहती जो लोगों के धिक्कार, बुरी धारणा आदि से उन्हें होगा। वास्तव में उन्हें लज्जा की आशंका रहती है,
इस बात का डर लगता है कि कहीं लज्जित ना होना पड़े। लज्जा का अनुभव तो तभी होगा जब वे कुकर्म की ओर इतने अग्रसर हो चुके होंगे कि ये समझ नहीं सकेंगे कि लोगों के मन में बुरी धारणा आ गई है। आशंका जो है अनिश्चयात्मक वृत्ति है, आशंका आपको पता ही होगा, उससे लज्जा ही हो सकती है जिसका संबंध दूसरों की धारणा से होता है। ग्लानि की आशंका नहीं हो सकती क्योंकि उसका संबंध अपने से कहीं बाहर की धुरी धारणा से नहीं होता, अपनी बुरी धारणा से होता है, इसमें निश्चय का भाव नहीं रहता। मतलब ग्लानि आप सब समझते होंगे, ग्लानि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों पर करता है, वो दूसरे के कर्मों पर ग्लानि नहीं कर सकता है। इस चीज में आप स्पष्ट हो लिए, ठीक है। और लज्जित वो किसी और के समक्ष भी हो सकता है, लेकिन ग्लानि केवल उसे स्वयं में ग्लानि, मतलब ये बहुत ही आंतरिक विषय है ग्लानि, जबकि लज्जा आंतरिक होने के साथ साथ बाह्य विषय भी है। मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, इससे वह अपने को उनके कर्मों में गुण दोष का भी भागी समझता है जिससे उनका संबंध होता है। पुत्रा की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने से नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भद्दी और ग्राम भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें लज्जा आती है। मैंने कुत्तों के कई शौकीनों को अपने कुत्ते की बदतमीजी पर शर्माते देखा है। जिसे लोग कुमारगी जानते हैं उसके साथ यदि हम कभी देव मंदिर के मार्ग पर देखे जाते हैं तो सिर झुका लेते हैं, बगले झांकने लगते हैं। किसी बुरे प्रसंग में यदि नियमित रूप से भी हमारा नाम आ जाता है तो हमें लज्जा होती है। पर ग्लानि कैसे होती है, हम बुरे या तुच्छ हैं, ये धारणा कहाँ से आती है, यही देखना है। अपमान होने पर यदि क्रोध के लिए स्थान हुआ तो क्रोध का नहीं तो अपनी तुच्छता का अनुभव होता है। दूसरों के चित्त में हमारे प्रति जो प्रेम या प्रतिष्ठा का भाव रहता है उसका हास किसी कुचक्र के साथ अपना नाम मात्र का संबंध समझकर भी हम समझे बिना नहीं रह सकते। जब स्थिति ऐसी होती है कि इस हास का न समाधान द्वारा निराकरण कर सकते हैं न क्रोध द्वारा प्रतिकार, तो सिवा इसके कि हम अपनी हीनता का अनुभव करें और कर ही क्या सकते हैं। भरत को इसी दशा में पाकर राम ने उन्हें समझाया था कि तात जाय जानी करहु गलानी इस अधीन जीव गति जान्यो। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य सिलोक तात तोर्यो उर आनत तुम पर कुटिलाई जाई लोक पर लोक नसाई। जिसने इतनी बुराई की वह मेरी माता है, इस भावना से जो लज्जा भरत की थी उसे दूर करने के लिए आगे का वचन है कि दोष दे ही जननी जड़ तेई जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। इस प्रकार दोष देने वाले से दोषोद्भावना द्वारा अनधिकार का आरोप करके माता के दोष का परिहार किया गया है। उत्तम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म पर ग्लानि होती है और मध्यम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म के किसी कड़वे फल पर, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है जिसे सहकर अपनी तुच्छता का अनुभव किए बिना लोग प्रायः नहीं रहते। जिन्हें अपने किसी कर्म की बुराई का ध्यान अपने आप नहीं होता, उन्हें ध्यान कराने का श्रम उसकी बुराई का विशेष अनुभव करने वाले अपनी बुराई का सब ध्यान अपने हाथ का सब धंधा छोड़कर उठाते हैं। इस श्रम से दूसरों के लिए उसकी बुराई का फल पैदा किया जाता है। उसकी निरस्ता और कटुता कभी कभी अत्यंत ग्लानिकारिणी होती है, पर आँख खुलने पर जो आँख खोलने वालों को देख सके उनकी आँख की दुरुस्ती में बहुत कसर समझनी चाहिए। अपमान या हानि की ही ग्लानि, अपमान या हानि की तरह ध्यान को ले जाए उसके कारण तक ना बढ़ाए हुए बुराई के मार्ग पर चल सकने वाला को थोड़ी देर के लिए पैर थाम सकती है, उसका मुंह दूसरी ओर मोड़ नहीं सकती। अपमान से जो ग्लानि होती है वो दो भावों के आधार पर, हम ऐसे तुच्छ हैं हम ऐसे बुरे हैं, इन दोनों भावों को कभी कभी लोग बड़ी फुर्ती और सफाई से रोकते हैं। अपनी तुच्छता का भाव अधिकांश में अपनी असामर्थ्य और दूसरे के सामर्थ्य का भाव है। हम इतने असमर्थ हैं कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हैं,
इस भाव से दोस्तों मैंने ऊपर भी अपमन पढ़ा है, क्योंकि इसमें अपमन लिखा गया, तो उसका सब इस शब्द का अर्थ मैंने कुछ और समझ लिया, लेकिन ये सच में अपमान है, अपमान। तो आप ऊपर की भी चीज़ों को एक बार रिफाइंड कर लें कि वो अपमान है, जो जहाँ पे मैंने अपमान पढ़ा है। इस भाव से निवृत्त जो लोग चट अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर अपमान करने वाले का अपमान कर लेते हैं, रहा अपने दोष या बुराई का भाव से छुटकारा वाले लोग दोष देने वाले में दोष ढूंढ कर लेते हैं। इस प्रकार अपनी सामर्थ्य दूसरे के दोष की भावना मन में भर कर वे अपनी तुच्छता और बुराई के अनुभव के लिए कोई कोना खाली ही नहीं छोड़ते। ऐसे लोग चाहे लाख बुराई करें, एक की दस सुनाने को सदा तैयार रहते हैं। अपने को ऐसा ही कल्पित करके तुलसीदास जी कहते हैं, जानत हूँ निज पाप जल दीजिए, जल सी कर सम सुनत रज सम परयम गुण सुमेर कर गुण गिर सम रज ते निधर। अकारण अपमान पर जो ग्लानि होती है वह अपनी तुच्छता अपनी सामर्थ्यहीनता पर ही होती है। लोक मर्यादा की दृष्टि से हमको इतना सामर्थ्य संपादन करना चाहिए कि दूसरे अकारण हमारा अपमान करने का साहस भी न कर सके। मान लीजिए कि एक ओर से हमारे गुरुजी और दूसरी ओर से एक दंडधारी दुष्ट दोनों आते दिखाई पड़े, ऐसी अवस्था में पहले हमें उस दुष्ट का सत्कार करके तब गुरुजी को दंडवत करना चाहिए। क्या बात है, रामचंद्र शुक्ल भी एकदम अद्भुत बात बोल दी। पहले उस दुष्ट द्वारा होने वाले अनिष्ट का निवारण कर्तव्य है, फिर उस आनंद का अनुभव जो गुरुजी के चरण स्पर्श से होगा। हम पहले गुरुजी को साष्टांग दंडवत करने लगे तो बहुत संभव है कि वह दुष्ट हमारे अंगों को फिर उठाने लायक ही न रखे। यदि हम में सामर्थ्य नहीं है तो हमें बिना गुरुजी को प्रणाम दंडवत किए भागना पड़ेगा, जिसकी शायद हमें बहुत दिनों तक ग्लान ही रही। लज्जा का हल्का रूप संकोच है। आपने लज्जा समझा, ग्लान ही समझा, आशंका समझा, अब आप संकोच पर आ गए, जो किसी काम को करने से पहले होता है। कर्म पूरा होने के साथ ही उसका अवसर निकल जाता है, फिर तो लज्जा ही लगा। सामान्य से सामान्य में संकोच देखा जाता है, लोग अपना रुपया मांगने में संकोच, आपसे बात करने में संकोच, उठने बैठने में संकोच, लेटने में खाने पीने में संकोच, सभा के सहायक मंत्री है तो कार्य विवरण पढ़ने में संकोच। सारांश ये है कि एक बेवकूफ़ी करने में लोग संकोच नहीं करते और सब बातों में संकोच करते हैं। क्या बात कह दी बाबा, इससे उतना हर्ज भी नहीं, क्योंकि देखिए जो भी मैं लेक्चर पढ़ रहा हूँ, मैं आपको ये लेक्चर सब मैं आपको एक सामान्य भाषा में, एक लेमैन लैंग्वेज में चीज़ें बता रहा हूँ कि आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ सकें और भावों को उनकी गहराई से अपने मन में समाहित कर सकें। तो जिनमें सील संकोच नहीं, वो पूरा मनुष्य नहीं है। बाहरी प्रतिबंधों से ही हमारा पूरा शासन नहीं हो सकता, उन सब बातों की रुकावट नहीं हो सकती जिन्हें हमें ना करना चाहिए। प्रतिबंध हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। यह अभ्यंतर प्रतिबंध दो प्रकार का होता है, एक विवेचनात्मक जो प्रयत्न साध्य होता है, दूसरा मन प्रवृत्तियात्मक जो स्वभावज होता है। बुद्धि द्वारा प्रवृत्ति जबरदस्ती रोकी जाती है, पर लज्जा संकोच आदि की अवस्था में प्राप्त होकर प्रवर्तन मन आपसे आप रुकता है, चेष्टाएँ आपसे फिर पड़ती हैं। यही रुकावट ही सच्ची है। मन की जो वृत्ति बड़ों की बात का उत्तर देने से रोकती है, बार बार किसी से कुछ मांगने से रोकती है, किसी पर किसी प्रकार का भार डालने से रोकती है, उसके ना रहने से बल मनसाहत भला कहाँ रहेगी। यदि सबकी धड़क एक बार की खुल जाए तो एक और तो छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकलने लगे, चार दिन के मेहमान तरह तरह की फरमाइशें करने लगे, उंगली का सहारा पाने वाले बांह पकड़ कर खींचने लगे, दूसरी ओर बड़ों का बहुत कुछ बड़प्पन निकल जाए, गहरे गहरे साथी बहरे हो जाए या सूखा जवाब देने लगे, जो हाथ सहारा देने के लिए बढ़ते हैं वे ढकेलने के लिए बढ़ने लगे, फिर तो भलमनसाहत का भार उठाने वाले इतने कम रह जाए कि उसे लेकर चल ही ना सके। संकोच इस बात के ध्यान या आशंका से होता है कि कुछ
लज्जा या संकोच यदि बहुत अधिक होता है तो उसे छुड़ाने की फिक्र की जाती, क्योंकि उससे कभी कभी आवश्यकता से अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। तथा व्यवहार तो व्यवहार, शिष्टाचार तक का निर्वाह कठिन होता। सुख से रहने का सीधा रास्ता बतलाने वालों ने तो आहार और व्यवहार में लज्जा का एकदम त्याग ही विधोय ठहरा है। पर मुझे तो यहाँ यह देखना है कि बात बात में लज्जा करने वालों की मनोवृत्ति कैसी होती है, उनके चित्त में समाई क्या रहती है। कोई क्रिया या व्यापार किसी को बुरा, बेढंगा या प्रिय न लगे, यह ध्यान तो निर्दिष्ट और स्पष्ट होने के कारण कुछ विशिष्ट व्यापारों का ही अवरोध करता है। क्योंकि जो जो काम लोगों को बुरे, बेढंगे या प्रिय लग सकते हैं, उनकी एक छोटी या बड़ी सूची सबके अनुभव में रहती है। पर जो यही अनिश्चित भावना रख कर संकुचित होते हैं कि कोई बात लोगों को ना जाने कैसी लगे, उन्हें ना जाने कितनी बातों में संकोच या लज्जा हुआ करती है। हमें बात बात में खटका होता है कि उनका बैठना ना जाने कैसा मालूम होता हो, बोलना ना जाने कैसा मालूम होता हो, हाथ पैर हिलाना ना जाने कैसा मालूम होता हो, ताकना ना जाने कैसा मालूम होता है, यहाँ तक कि उनके ऐसे आदमी का होना, वे कैसे हैं चाहे वे कुछ भी ना जानते हैं, ना जाने कैसा मालूम होता हो, ना जाने कैसे लगने का डर उन्हें लोगों के लगाव से दूर दूर तक रखता है। ये आशंका इतनी अव्यक्त होती है, लज्जा और इसके बीच का अंतर इतना क्षणिक होता है कि साधारणता इसका लज्जा से अलग अनुभव ही नहीं रहता। कुछ लोगों के मुँह से लज्जा संकोच के मारे आदर सत्कार के आवश्यक वचन नहीं निकलते। बहुत से लड़कों को प्रणाम करने में लज्जा मालूम होती, ऐसी लज्जा किसी काम की नहीं समझी जाती। बच्चों को अपनी तुच्छता, बुराई या बेढंगेपन की भावना बहुत कम होती, वे अपनी क्रियाओं में स्वभावता स्वच्छंद होते हैं, पर विशेष स्थिति में पढ़कर वे इतने भीरु और लज्जालु हो जाते हैं कि नए आदमियों के सामने नहीं आते, लाख पूछने पर कोई बात मुँह से नहीं निकलते। ऐसी दशा अधिकतर उन बच्चों की होती है जो बात बात पर उठते बैठते, हिलते डोलते, डांटे धिक्कारे या चिढ़ाए जाते हैं। लोग अक्सर प्यार से बच्चों को किसी भद्दे, बेढंगे या बुरे आदमी का ध्यान कराकर उन्हें चिढ़ाते हैं कि तुम तो बिल्कुल वैसे ही लगते हो। इस प्रकार उनके सहमने, संकोच करने, लज्जित होने आदि का अभ्यास कराया जाता है, जो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, फिर वो आगे चल के समस्या पैदा करता है। तो ये बातें आप अपने दिमाग में रखें और बच्चों के साथ ठीक तरह का व्यवहार करें। अपनी त्रुटि, बेढंगेपन, दृष्टि आदि का परिचय दूसरों को, विशेषतः पुरुषों को ना मिले, इसका ध्यान स्त्रियों में बहुत अधिक और स्वभावता होता है। इसी से उन्हें लज्जा अधिक दिखी जाती है, सदा से पुरुषों के आश्रय में रहती हैं। इससे हम दृष्ट या अप्रिय न लगे, इसकी आशंका उनमें चिरस्थायी होकर लज्जा के रूप में हो गई है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं, विशेषता बड़े घरों की, जिनके काम धंधों के रूप में भी लोगों के सामने हाथ पैर हिलाने की धड़क नहीं खुली रहती है, तब उनका अधिक लज्जाशील होना ठीक ही है। लोग लज्जा को स्त्रियों का भूषण कह कहकर उनमें धृष्टता के दूषण से बचने का ध्यान और भी पक्का करते रहे। धीरे धीरे उनके रूप रंग के समान उनकी लज्जा भी पुरुषों के आनंद और विलास की एक सामग्री बन गई। रस कोविद लोग मुग्धा और मधया की लज्जा का वर्णन कान में डालकर रसिकों को आनंद से उन्मत्त करने लगे। तो दोस्तों, इस तरह से आज का निबंध लज्जा और ग्लानि यहीं पर समाप्त होता है। आप